दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई फालतू का फेसबुक अकाउंट है, कोई अदर फेसबुक अकाउंट है जिसे यूज नहीं करते हैं या फिर यूज नहीं करना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को या फिर किसी अदर फेसबुक अकाउंट को किस तरह से आप परमानेंटली डिलीट या फिर टेम्परेरी डिलीट कर सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम फेसबुक लाइट पर चले जाते हैं। आप चाहे तो फेसबुक एप्लीकेशन या फिर facebook.com पर भी जा सकते हैं। तो फेसबुक पर चले जाते हैं। देन फेसबुक लाइट एप्लीकेशन पर आने के बाद हमारे पास एक अकाउंट है, इंस्टा अकाउंट, जिसे मैं यूज नहीं करना चाहता और साथ ही मैं इसे डिलीट करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को कुछ इस तरह से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर तीन लाइन शो हो रही, सिंपली तीन लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। तीन लाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमें शो हो रहे हैं, सिंपली हमें सेटिंग वाले ऑप्शन पर चले जाना है। यही सेम प्रोसेस आपके फेसबुक ऐप और facebook.com पर भी होगी, तो इसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। फिर इसके बाद हमारे सामने अकाउंट वाले सेक्शन में पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन शो हो रहा है, सिंपली हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे उस पर हम क्लिक करते हैं, थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, नेम, ईमेल, एड्रेस, फ़ोन वगैरह करके। और साथ ही में चौथा ऑप्शन आ रहा है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर दो ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे, मेमोरियलाइजेशन सेटिंग्स एंड डीएक्टिवेशन एंड डिलेशन। सिंपली आपको डीएक्टिवेशन एंड डिलेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो हमें दो ऑप्शन हो रहे हैं, डीएक्टिवेट अकाउंट, यानी कि अगर आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, उसे परमानेंटली डिलीट नहीं करना चाहते, तो अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। या फिर इसे अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर आप इसे मतलब फेसबुक को बताना चाहते हैं कि आप किस प्रॉब्लम की वजह से फेसबुक को डिलीट कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं, अन्यथा आप इसे कंटिन्यू टू डिलीशन पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, डायरेक्ट डिलीशन वाले ऑप्शन पे आ गए हैं। यहाँ पर डीएक्टिवेट अकाउंट लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, लेकिन आप डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली तो हमें सबसे नीचे यहाँ पर डिलीट अकाउंट का ऑप्शन शो हो रहा है, सिंपली हम डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमें हमारे फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पर अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एक कन्फर्मेशन का मैसेज आ रहा है, कन्फर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन, और हमें बता रहा है कि यह 30 दिन में आपका अकाउंट सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। 30 दिनों के अंदर अगर आप अपने अकाउंट को रिकवर करना चाहते हैं तो फिर से लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। फिर हमें रिकवर नहीं करना है, हमें इसे डिलीट करना है, तो सिंपली मैं डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं डिलीट अकाउंट पर क्लिक किया तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें एक इंस्ट्रक्शन भी दिया गया, हमें यहाँ पर एक नोटिस भी दिया गया है, योर अकाउंट इज शेड्यूल्ड फॉर परमानेंटली डिलीशन, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर हमारा यह अकाउंट परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। अगर हम इसे रिकवर करना चाहें तो उस 30 दिनों के अंदर मैं इस अकाउंट को रिकवर कर सकता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा अकाउंट हमारे फेसबुक लाइट से लॉग आउट भी हो चुका है, तो मैं सिंपली इसको ओके करता हूँ, फिर अपने किसी अदर अकाउंट को यहाँ पर मैं लॉगिन कर लूँगा। कुछ इस तरह से आप अपने फेसबुक अकाउंट को या फिर किसी अदर फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली बहुत ही आसानी से लगभग 2 मिनट के अंदर डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो के जरिए आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करने में जरूर सक्षम रहे होंगे। कर रहे हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी हेल्पफुल वीडियोज और अधिक पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियोज मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।